बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर, की हालत बड़ा। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैर खरीद ना। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने लगी है, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो के बेच वखाना है एक ऐसा पौधा जिसकी बहुत ज़्यादा दोस्तों फरमाइश भी की है कि तुसा पौधे के बारे काफ़ी वीडियो बनाते रहते हो, तो सन अज अमरूद पौधे के बारे कुछ इन्फॉर्मेशन दो। उस तो पहले जो साढ़े चैनल पर न्यू हजरात हो, सब तो पहले साढ़े चैनल सबसक्राइब करके नाल ही बैल आइकन के बटन प्रेस कर दो, ताकि साड़ियाँ आने वाली न्यू वीडियो थोड़े तक पहुँचदियाँ रहन। तो चलो हूँ बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, तो तुम विखाने अमरूद का पौधा, तो उसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी देने हैं, तो दसते हैं तुम अमरूद के बारे में। जी तो यह अमरूद का पौधा, ये निका पौधा मेरे को लगे अमरूद का, दोस्तों देख सकते हो इसकी ग्रोथ माशाल्लाह हूँ इस साल तो काफ़ी हो गई है, तो अजय ग्रोथ करता है। पिछले साल आने का लाया जिस साल आने यानी कि फ्रूट भी लगे हैं, इस दफे इस फ्रूट लगना शुरू होया, देख सकते हो यानी कि पौधा फ्रूट तो आया। दोस्तों अगर तुम पौधे तो ज़्यादा फ्रूट लेना चाहते हो तो वह भी मैं तुम्हें अगर मालूम दसा कि तुम पौधे तो ज़्यादा फ्रूट किस तरह हासिल कर सकते हो। तो ये अमरूद जड़े अंदरू आते हैं वो रेड कलर वाले आते हैं, तो ये छोटा अमरूद का पौधा। हूँ मैं चलता तुम वड्डा अमरूद का पौधा वो खाना, जिस तरह सिर्फ एक फ्रूट नहीं यानी कि फ्रूट ना बिल्कुल भरपूर झूठे आ, जिसमें फल ही फल लगे आ। मैं तुम्हें तो कहना वड्डा अमरूद का पौधा। जी ये वड्डा अमरूद का पौधा, इस नाल इस दफा बहुत ज़्यादा फल पिया, तो मैं तुम्हें दसा मुकम्मल दोस्तों के जिस तरह पौधे को ज़्यादा फ्रूट लेना हो तो कई तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता। देख सकते हो इस ना किस दफा कितना फल पिया, हाँ जी दोस्तों जिस तरह मैं तुम्हें दस्या भाई पौधे तो अगर तुम ज्यादा फ्रूट लेना चाहते हो तो तुम जनाब यह मैथड तरीकाकार इस्तेमाल किया करो, जिहड़ा तरीकाकार मैं भी इस्तेमाल करना जिस नाल पौधा ज्यादा फ्रूट देता। जिहड़ी है पौधे की यानी कि चीज़ होंगी है शाख, तो शाख जिते जिते पत्ते न्यू निकलते पे होने, नवे पत्ते यानी कि जिते निकलना शुरू पे होने, इस पत्ते ने इतों नपना तो इन नप के इतों कट ला देना यानी कि उन्होंने अगू टुक देना, इनू मुकम्मल एंड तक भी नहीं टुकना, थोड़ी जी इस दस्सा जरा यानी कि उत्ते बकाया नज़र आवे, ये जी हे जगह नज़र आ रही है इस हूँ शाखा निकल सन, शाखा निकल के इस यानी कि फल वाले कोंपल निकलना शुरू हो सन और ज़्यादा ये फल दे सी। यह मैथड जो मुकम्मल इस अमरूद पौधे का इस्तेमाल होता। जी मेरे प्यारे व्यूअर तुम देख सकते हो इसमें किस तरह गुच्छे के हिसाब ना इस फल लगे आ, कितने कितने मोटे अमरूद इस नाल होए पे ने। यह देसी अमरूद यानी कि चिट्टा अमरूद जिन्हों आखी जा, दोस्तों मैं तो पौधे तू फल ज्यादा लेने मारी यह तरीकाकार इस्तेमाल करना जो तुम दसिया है, तुम देख सकते हो इस तरह तो नज़र आ रहा। यह हूँ निकलता पा, ये फुल निकल सी, फुल तो बाद फिर नाल फल बनने वैसे अजे भी इस नाल फल यानी कि पौंदा पा, मजीद फुल भी निकलते पे नाल फल भी पौंदा पा। तक सकते हो दोस्तों सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ जी होती है पौधे की केयर करना, इसकी हिफाजत करना, इसनों टाइम से पानी देना, उस तो बाद इस खाद जी इस्तेमाल होती है, खाद का खास तौर ख्याल रखना, इन किस टाइम कड़ी खाद चाहिए है, किस खाद की जरूरत है, उस खाद का ख्याल रखना। तुम देख सकते हो कि इस पौधे के थले एन से भी कितना इस दफा इसमें फल पाया, साढ़े को बारिश हुई है जिसकी वजह तू अजे इस यानी कि घास आया पा,
ਇਹ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਤੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਫਰੂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੌਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾੜੀ ਜਾਖੀ ਦਾ ਖੁਦਾਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕੋਰਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਅਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਗਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਉਸ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।